नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर के कॉलेज स्टूडेंट्स में अब एक नया क्रेज चल रहा है और रील बनाने का एक क्रेज चल पड़ा है। हम आपको बता दें, नया मामला जो आया है राहतगढ़ महाविद्यालय के क्लासरूम से जुड़ा है, जहां पर गर्ल्स तो गेट पर बॉयज स्टूडेंट ने बनाई रील, जांच शुरू की गई है। हम आपको बता दें, सागर के कॉलेज में स्टूडेंट्स में फिल्मी गानों पर रील बनाने का क्रेज देखने को मिल रहा है। सागर के राहतगढ़ शासकीय महाविद्यालय से दो वीडियो सामने आए हैं। इनमें कुछ छात्राएं कॉलेज के क्लासरूम में फिल्मी गानों पर रील बनाते हुए दिख रही हैं, तो दूसरा वीडियो कॉलेज के गेट का बताया जा रहा है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र रील बना रहे हैं। एक छात्र बाइक पर खड़ा होकर गाने पर डांस करता हुआ दिख रहा है। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रबंधन ने जाँच के निर्देश दिए। कॉलेज की अनुशासन समिति मामले की जाँच कर रही है। वीडियो में फिल्मी गाने पर डांस कर रही छात्राओं ने ड्रेस कॉलेज की पहन रखी है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि वीडियो कॉलेज की ही छात्राओं का है या नहीं, इसकी अभी जांच कराई जा रही है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य चंदन से सागर ने बताया कि दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो कॉलेज परिसर के बाहर का है और कॉलेज के बाहर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं। दूसरा वीडियो कॉलेज की छात्राओं का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कॉलेज का है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। वीडियो में दिख रही छात्राएं कॉलेज की ड्रेस में नज़र जरूर आ रही है। मामले की जांच अनुशासन समिति को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। पुलिस से वीडियो वायरल है, वो कॉलेज का ही है कि किसी अन्य छात्रों का है, क्या मैटर है वो अनुशासन समिति को दिया गया है और उसके संबंध में अनुशासन समिति जो है वो उसकी जाँच कर रही है कि ये कॉलेज का ही है कि कॉलेज के बाहर का है। बाकी एक वीडियो जो बाहर का है उस पर कॉलेज का नाम लिख के आ रहा है, तो कॉलेज के बाहर छात्र क्या गतिविधियां कर रहे हैं उसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि सर, छात्राओं द्वारा जो बेंच पर पैर रख के वीडियो बनाया गया, अनुशासनहीनता के लिए बताया ना आपको कि अनुशासन समिति को सौंपा गया है, उसके संबंध में अनुशासन समिति जो है वो छात्रों से प्रतिवेदन प्राप्त कर रही है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या संदर्भ में किया है, उसकी अनुशासन समिति उनसे प्रतिवेदन दे रही है और उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। छात्राएं जो है उनका जो ड्रेस कोड है वो तो कॉलेज का ही है।